नमस्कार, आप भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशेत ठाकुर। गुजरात और हिमाचल के साथ साथ देश की राजनीति के लिए बिहार में का दिन भी आज बेहद खास है। सुबह 8 बजे से ही कुर्नी विधानसभा सीट पर काउंटिंग शुरू हो गई है और इस वक्त सुबह सवेरे में रोजाना की तरह चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा है, विस्तार से खबरों को बताने के लिए। सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई बाबा, 8 बजे से ही। सुबह सुबह जब हम आते हैं तो रोज राजनीतिक खबरें सुनाते हैं। आज भी खबर तो राजनीति से जुड़ी हुई है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। दो राज्यों का मुख्य चुनाव हुआ है, हिमाचल का और गुजरात का, लेकिन उसकी चर्चा से ज़्यादा आखिर कुर्नी की चर्चा क्यों है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं बच्चा था तो यहाँ से अपने गांव जाता था, तो गांव में जाने के बाद लोग जानबे करते हैं कि जैसे शहर से कोई लड़का जाता है तो उसे बहुत सारा लोग जानना चाहते हैं, खास करके हम उम्र जो होते हैं वो और जानना चाहते हैं कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है। मेरे गाँव में भी मेरे पड़ोस के लड़के थे जिनके पिताजी चाहते थे कि वो हम लोग जैसे शहरी भाषा का प्रयोग करें, शहर की तरह सब कुछ मतलब बदलें अपने आप को। तो एक दिन की घटना है कि मैं ब्रश कर रहा था और गांव में तो दातुन करने की प्रथा है, लेकिन हम लोगों का देख के देखा देखी वो अपने बच्चों को ही ब्रश ला करके दिए। हमारे घर के बाहर एक कुआं था जहां सब व्यवस्था की गई थी। हम लोग अक्सर मतलब वहां अपने जो अगल बगल के पास पड़ोस के लोग थे वहां बैठते थे, वहीं ब्रश व्रश करते थे, वहीं हम लोग अपना बातचीत भी करते थे। तो ब्रश करते समय वो ब्रश को सीधा रखता था और मुंह अपना ऐसे ऐसे करता था, तो बार बार वो हम लोगों को दिखा करके कहते थे कि देखो ब्रश कैसे किया जाता है। देखिए पॉलिटिक्स भी वही है, आप एक जगह खड़े होकर के मुंह हिलाइएगा तो आप सही रास्ते पर सही दिशा में नहीं चलिएगा, आपको दिशा को बदलना पड़ेगा। बिहार देश की दिशा को बदलता है राजनीतिक रूप से। कुर्नी के चुनाव को इतना ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, उसके पीछे कारण है कि ये लड़ाई सीधी नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार चल रही है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार के साथ MY समीकरण वाले जो सबसे मजबूत बिहार में कहे जाते हैं तेजस्वी यादव है। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है तो जस्ट उल्टी हवा बह रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ब्रश नहीं हिला रहे हैं, अपना गर्दन हिला रहे हैं और यही कारण है कि परिणाम सुनने का शून्य है। अगर आप ब्रश हिलाइएगा तो आपके दांत साफ होंगे, अगर ब्रश नहीं अपना सर हिलाइएगा तो ब्रश साफ होगा आपका दांत साफ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट बता रही हैं कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अभी रुझान तो नहीं आए हैं, लेकिन जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बदलने के साथ साथ ये शुरुआत हो जाएगा कि कुर्नी में किसकी जीत किसकी हार और किसके जीतने से क्या असर पड़ेगा बिहार और देश की राजनीति। लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी का डंका बज रहा है। देखिए मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जो या तो अति उत्साही हैं या फिर समय से पहले बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ये उनके राजनीतिक जीवन में जो बल्कि छोटा जीवन है लेकिन उस जीवन में ही 3-4 सालों के जीवन में उनका देखा गया है कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, अति उत्साह उनमें है और यही कारण है कि वो आप जानते हैं कि जो ज़्यादा तेज भागता है वो मुंह के बल भी गिरता है। राजनीति में आपको स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए, समय व्यतीत कीजिएगा तब राजनीति में आपकी पकड़ बनती है और लोग आपको अप्रिशिएट भी करना शुरू करते हैं, आपकी स्वीकार्यता होती है। लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने वोट बैंक के दम पर मोल भाव शुरू कर दिया है वो नीतीश कुमार के रास्ते निकल पड़े हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार की तरह वो बिहार की सत्ता पर 17 साल शासन करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज काउंटिंग होनी है और एक दिन पहले ही घी का लड्डू बनाना शुरू कर दिया, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लड्डू तो बनवा रहे हैं लेकिन लड्डू अपने नहीं किसके इशारे पर बनवा रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं, ये बातें भी चर्चा का विषय बन गई हैं। और खास करके जो जितने सर्वे हैं, हालांकि सर्वे फेल भी होते हैं, लेकिन जितने सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि ये लड़ाई दो ही कोनों पर है,
एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जनता दल, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो महागठबंधन के अधिकतम उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन वर्सेज एनडीए का ये लड़ाई है। इस लड़ाई में पार्ट कोई भी निभा सकता है, लेकिन किसी भी फिल्म के मुख्य किरदार जो होते हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी साइड कलाकारों को तो लोग नाम तक नहीं जानते हैं। वही स्थिति है कि भले ही वो डंका अपना बजा रहे हों, अपने से पीट रहे हों, लेकिन स्थिति यह है कि दोपहर तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लड्डू किसके लिए बनवाए हैं, यानी लड्डू बनवा करके डंका जो पीट रहे थे वो किसके लिए डंका पीट रहे थे और किसके लिए लड्डू बनवाए हैं, ये सब कुछ दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। दोपहर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार हार मान चुके हैं। निषद, मुझे याद आ रहा है आपने ही पूछा था इससे दो दिन पहले, जब नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो एक सवाल उनके चलते चलते आप लोगों ने पूछा था कि कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो चुनाव जीत रही है, उसका दावा है, आप इसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो तो दावा करेंगे ही, आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, तो बोले कि हम नहीं जनता मालिक है। और अंततः जनता मालिक तो है ही, आज काउंटिंग चल रहा है। नीतीश कुमार हालांकि जिस तरह से गर्दन झुका करके बात बोल रहे थे वो दिखा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के कौन अपने कौन पराए थे, एक बार फिर से इस बात का कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार जो कुढ़नी का चुनाव है वो नीतीश कुमार के लिए क्या लेकर के आया, नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होगी और वर्तमान में नीतीश कुमार कैसे टिक पाएंगे। लेकिन अब दिल्ली तो गई है, क्या बिहार भी चला जाएगा मुख्यमंत्री जी के हाथ से कुढ़नी सीट पे? जो देखिए दिल्ली की लड़ाई, जो एमसीडी की बात आप कर रहे हैं, उसमें किस्मत तो बहुत पहले से आजमा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दो सीटें ली थी, एनडीए का हिस्सा थे, उस सीट पर जमानत उनकी बचानी मुश्किल हो गई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली में और दिल्ली पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ये सोच रहे थे, और ख़ास करके उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, चार पांच लोग जो उनके कैबिनेट किचन कैबिनेट के लोग कहे जाते हैं, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, ये सारे लोग चाह रहे थे कि दिल्ली में नीतीश कुमार के खड़ा होने का एक जगह खोज लिया जाए, चाहे वो कहें कहे नहीं एमसीडी का ही हो, चाहे वार्ड का ही चुनाव क्यों नहीं हो, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार के लिए एक जगह खोज लिया जाए जहाँ ये कह सकें कि हम यहाँ भी हैं। जैसे अरुणाचल में, अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि एक आध बार सीट लेकर के वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बातें स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन हुआ है। हालांकि गुजरात और हिमाचल के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें अब तक जो रुझान है उस रुझान में भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह लीड कर रही है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की इस लड़ाई में केजरीवाल के रूप में कहीं ना कहीं आपके मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी अक्सर ये कहते हैं कि बिहार के केजरीवाल बनने की दिशा में मुकेश सहनी आगे बढ़ गए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी, सत्ता की तरफ भागने लगे तो सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इसका सीधा मतलब है कि ये लड़ाई नीतीश कुमार जिस तरह से एमसीडी के चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाए, 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे लेकिन कहा जा रहा है कि जमानत तक नहीं बची, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि दिल्ली तो टिकना दूर, बिहार भी कुढ़नी चुनाव का परिणाम आने के बाद मुश्किल में हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए। चलिए, मुश्किलें उत्पन्न होंगी नीतीश कुमार के लिए, दिल्ली में तो खाता तक नहीं खोल पाए, बिहार के कुढ़नी में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और बाबा को दीजिए इजाज़त, कल एक बार फिर से हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386
8167000। धन्यवाद।